चलो बोलो। सुप्रभात, नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत अपने YouTube चैनल दीपक RWT में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं पांथरी जी और हम आज जा रहे हैं दुगड्डा। पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया था, मैं सद्भावना होटल में आया हुआ था। सद्भावना होटल में हमने एक नाइट स्टे किया यहाँ पर, और आज मुझे फिर दूसरी टीम के साथ जाना है। यहाँ पर से गुमखाल है मुश्किल से 100 मीटर की दूरी में, और वहाँ से हम पकड़ेंगे मैक्स गाड़ी, कुछ भी मिले, और दुगड्डा के लिए। ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये जाता है सीधा ऋषिकेश, और ये वाला रास्ता सतपुली। हमें जाना है इस वाले रास्ते में जिधर पांथरी जी खड़े हैं। आज कोहरा लगा हुआ है यहाँ पर गुमखाल में। पांथरी जी क्या हो लू तब, ठंड से बुरा हाल है। और जो है अभी हम निकल रहे हैं दुगड्डा के लिए। देखो कोई गाड़ी मिले तो निकले यहाँ से। मिल जाएगी गाड़ी, थोड़ी देर में आएगी, पर मिल ही जाती है गाड़ी, क्योंकि नेशनल हाईवे है तो मिल ही जाएगी कोई ना कोई। पांथरी जी और मैं इस समय गुमखाल में, और गुमखाल में हमको हो गए 1 घंटा, तो कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है। कोई गाड़ी मिल जाती तो दुगड्डा पहुंच जाते, बड़ी मुश्किल है आज। और अब साथियों हमें मिल गया है एक ट्रक। ये भाई साहब हैं जिनके ट्रक में हम गुमखाल से और दुगड्डा तक का सफ़र तय करेंगे, और मेरे बगल में है पांथरी जी। तो चलिए चलते हैं, आपको सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ। ड्राइवर साहब ने हमें पहुंचा दिया है दुगड्डा में, और हम उतरते हैं। ये देखो यहाँ से ओके भाई जी, बाय बाय। ये हो रहा है हमारा नाश्ता, फिर हम पुरानी टीम में मिल गए हैं, जो हमारी पुरानी टीम थी जो कि जयरीखाल में काम कर रही थी। और ये है हमारा नाश्ता, भिंडी की सब्जी और रोटी। और अब बारी है पकौड़ी और चाय और चटनी। और अब हम निकल रहे हैं अपनी जयरीखाल की तरफ। यहाँ से आज जाना है हमने धोलकेत खाल, तो न्याय पंचायत धोलकेत खाल में आज ट्रेनिंग है। दुर्घटना से हो गए हम रवाना, हमारे साथ पांथरी जी और हमारे सर और हमारे दसवाना जी। चलते चलते चाय पी लेता हूँ, मैंने कहा बहुत मज़ा आता है। ये देखिए बरसात के समय जो है कि रास्तों में मलबा आ जाता है ऊपर से, तो इस प्रकार से जेसीबी रास्तों को खोलते हुए। मैं आपको ना मतलब ये चाह कि प्लेन समा अगर आपको उदाहरण दे लो तो कि थी कटिल बड़ी बड़ी लाइट लगी थी, है ना। वह का कौन बजट चल हमारे ग्राम ग्राम पंचायत हूँ के लिए नहीं बजट उरेड़ो बजट आ सकता उरेड़ा की रेंज वैकल्पिक ऊर्जा वो मैं सरकार उजा रख खर्च भी हूँ पहना लगा के कि वहां मैं कदर बहुत करीबी के साल तक तेल चल जाऊ जामुती हुए तेल पूर्वक, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत जरूरी है, पूरा गांव रात को अंधेरे में चला जाता है ना। तो ठीक नहीं, कई चीजें हैं, कई घटनाएं हैं,
और तबुए के बाद बूंदी थी कि भाई बागल खेला ही खेला वो कह रहा ना बच के गया ये सब चीज बेच गया तो ये वो तो हिम्मती आदमी उन्होंने एसडीएम के सामने ये बात रखी। मैं कहता हूँ ग्राम पंचायत को पावर है मतलब वो लिख सकते उस व्यक्ति ने तो खुद ही अपना इंडिविजुअल प्रयास किया इंडिविजुअल प्रयास नहीं ग्राम पंचायत लिखे ग्राम पंचायत लेटर हेड पर पड़ा उसका कार्यवाही रजिस्टर में लिख ग्रामचंद कि हमारी ग्राम पंचायतों में सोलर पैनल नहीं है इस तरीके की दिक्कतें हैं बाघ कटर है जान जानवर कटर है हम अकेले रहते हैं इस तरीके का है मतलब कई चीजें हैं पूरी ग्राम पंचायतों के लिए डिमांड करना होना चाहिए प्रेशर पहुंचे न हम वीडियो साहब आने तो आप इन करवाओ ये बहुत जरूरी चीज है व्यक्तिगत एक आज में समस्या नहीं है जैसे 100% टीकाकरण 100% पाठशाला में बच्चों का दाखिला सबका बैंक अकाउंट जीवन बीमा कुपोषण मुक्त गांव और फसल बीमा अनुमोदन एवं क्रियान्वयन तैयार ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम सभा में सभी ग्राम वासियों को बताया जाता है इस तरह तैयार होती है ये योजना जो ग्राम विकास की दिशा निर्धारित करती है और विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करने का एक आधार बनती है और अंततः ग्राम सभा इसे अनुमोदित करती है बस फिर क्या योजना को राज्य के दिशा निर्देश अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया जाता है ये पोर्टल भारत सरकार द्वारा योजना निर्माण प्रक्रिया को सरल करने एवं पारदर्शिता देने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है तो आइए हम सब ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया में भाग लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करें और समग्र विकास के अपने सपने को पूरा करें।